90% लोग नहीं जानते हैं बालों को लंबा करने का ये तरीका। जी हाँ फ्रेंड, आज जो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन ये आपके बालों के लिए इतना कारगर है कि आप खुद हैरान हो जाओगे। ये आपके बालों की हर समस्या के लिए रामबाण का काम करेगी। चाहे आपके बाल कितने भी ख़राब हो, रूखे सूखे बेजान बालों में एक नई जान डाल देगी। इसलिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल यूजफुल होने वाली है। बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें, जिससे कि आपको कम्प्लीट जानकारी मिल पाए। इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से आपके बालों का झड़ना तो बंद होगा ही, साथ में आपके छोटे बाल बहुत ही तेज़ी से लंबे होने स्टार्ट हो जाएंगे। यह आपके बालों को बहुत ही फास्ट ग्रो करने में हेल्प करती है। कुछ ही दिनों में आपको इसके इस्तेमाल से आपके छोटे पतले बाल लंबे मोटे हो जाएंगे। लेकिन आपको इसका सही तरीका पता होना है कि इसे आपको कैसे यूज करना है, जिससे कि इसके फ़ायदे आपके बालों को मिल पाए। और इसके इस्तेमाल से आपके जो हेयर रूट वीक हो गए हैं, जिससे कि आपके बाल टूट रहे हैं, गुच्छों में आपके बाल निकल रहे हैं, जब भी आप कॉम करती हैं या बाल धोने के टाइम आपके बाल बहुत ही क्वांटिटी में निकल रहे हैं, तो इसके इस्तेमाल से आपके बालों की जो जड़ें हैं मजबूत होती हैं, जिससे कि आपके बाल नहीं टूटेंगे और ना ही आपको हेयर थिनिंग की समस्या होगी। इसलिए आज का नुस्खा आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही इफेक्टिव होने वाली है। अगर आप सोचेंगे कि आपके बाल टूटते ही क्यों हैं, तो आपकी ये समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। हम क्या करते हैं, जब हमारे बाल टूटने स्टार्ट होते हैं, हमें हेयर फॉल होने लगती है, तो हम बहुत सारी चीज़ें अपने बालों पर अप्लाई करने स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारे बालों का टूटना बंद हो जाए। लेकिन आपको पहले ये जानना होगा कि आपके बालों के टूटने की यानी हेयर फॉल का क्या कारण है, किस वजह से आपके बाल इतनी ज़्यादा मात्रा में निकल रहे हैं, टूट रहे हैं। अगर आप ये जान जाएंगे तो आपको आसानी होगी आपके बालों की जड़ों को मजबूत करना और अपने हेयर फॉल को बंद करना। तो आज की वीडियो में आपको एक नुस्खा बताने वाली हूँ। आपके बाल चाहे कैसे भी हों, किसी भी रीजन से आपके बाल झड़ रहे हों, अगर इसका इस्तेमाल करेंगी तो आपके बालों का टूटना हमेशा के लिए बंद होगा। आपके सफ़ेद बाल काले हो जाएंगे और 100% आपके बाल जो हैं लंबे होंगे। हम सभी चाहते हैं कि हमारे बाल जो हैं लंबे घने काले हो, और इसके लिए हम घर की चीज़ों को यूज ना करके, नेचुरल चीज़ों को यूज ना करके, हम केमिकल बेस वाले चीज़ों को अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारे बाल धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं और हमें बाद में चल के गंजेपन की समस्या होने लगती है। इसलिए आप कोशिश करें कि घर में मौजूद चीज़ों का आप यूज करके अपने बालों को हेल्दी करें, लंबा करें, घना बनाए, क्योंकि नेचुरल चीज़ें जो होती हैं हमारे बालों पर धीरे धीरे काम करती है, लेकिन आपके बालों पे 100% ये वर्क करती है और आपके बाल हमेशा के लिए मजबूत करती है, आपके बालों को लंबा करती है। इसलिए आप कोशिश करें कि घर में रखी चीज़ों का आप इस्तेमाल करके अपने बालों को लंबा मोटा मजबूत बनाएं। तो आज मैं आपको जो रेमेडी बताने वाली हूँ ये बिल्कुल नेचुरल है, इससे आपके बालों को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगी, ना किसी डाउट के आप इसे इस्तेमाल करें और फिर आप देखें कि आपके बालों पर इससे कितने अच्छे फायदे मिलेंगे। 100% गारंटी के साथ आपके बालों का गिरना बंद होगा और आपके बाल लंबे होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी रेमेडी के लिए सबसे पहले चीज़ लेनी है वो है दही। दही हमारे बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होती है, जो कि हमारे बालों को ग्रो करने में हेल्प करती है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं और मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया है। जब हमारे बालों में प्रोटीन की कमी हो जाती है, इससे हमारे बाल टूटने स्टार्ट हो जाते हैं और हमारे बालों की ग्रोथ नहीं होती है। इसलिए आपको अपने बालों में प्रोटीन देना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए आज की रेमेडी में हमें यूज करना है यहाँ पे दही, जिससे कि हमारे बालों को भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिले और हमारे बाल मजबूत हो, हमारे बाल ना टूटे और हमारे बाल भी बहुत ही फास्ट लंबे मोटे घने हो। दही से हमारे बालों को बहुत सारे फायदे मिलते हैं। एक तो ये आपके बालों को सिल्की स्मूथ शाइनी करती है, दूसरी आपके स्कैल्प को नमी बनाए रखने में हेल्प करती है, आपके बालों को प्रोटीन देती है और साथ में ही आपके रूखे सूखे बेजान बालों को ये रिपेयर करने में हेल्प करती है। इसलिए आपको यहाँ पर एक कटोरी करीब लेना है दही। मैं यहाँ पर अपने बालों के हिसाब से बता रही हूँ, अगर आपके बाल पतले हैं, छोटे हैं, तो आप इसकी क्वान्टिटी कम भी कर सकती हैं। फिर हमें यहाँ पर लेना है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल भी हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाती है, आपके बालों को मोटा करती है, आपके बालों की ग्रोथ करती है। इसलिए आपको यहाँ पे एक चम्मच लेना है कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल। यहाँ पे आप किसी भी ब्रांड की ले सकती हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ये हमारे बालों को डीप कंडीशनिंग करने का काम करती है। अगर आपके बाल बहुत ही रूखे सूखे हैं, आपके बाल बीच से टूट रहे हैं, तो अगर आप कैस्टर ऑयल का यूज करेंगी तो आपकी ये समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और साथ में ही आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है। इसलिए आपको एक चम्मच यहाँ पर लेना है अरंडी का तेल।
और फिर तीसरी जो चीज़ हमें यहाँ पे लेनी है वो है एग। एग भी बहुत ही भरपूर मात्रा में प्रोटीन होती है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। ये हमारे बालों के लिए कितना फ़ायदेमंद है, आपके हेयर रूट को स्ट्रॉन्ग करती है। तो आपको यहाँ पे 2 अंडे का यूज करना है। अगर आपके बाल छोटे हैं, पतले हैं, तो आप 1 अंडा लें। अगर आपके बाल बहुत ही लंबे हैं तो आप यहाँ पर 2 अंडे का यूज करें। अंडा जो होता है हमारे बालों को सिल्की स्मूथ करती है, आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है, आपके हेयर फॉलिकल जो डैमेज हो गए हैं उसे एक्टिव करने में हेल्प करती है। तो आपको यहाँ पे लेना है अंडा। तीनों चीज़ों को आपस में अच्छे से आपको मिलानी है और एक पैक बनकर आपका रेडी हो जाएगा। तो इसे ही आपको अपने बालों पर अप्लाई करना है, लेकिन पहले अपने बालों को अच्छे से आपको कॉम करनी है। उसके बाद आपको इस मास्क को अपने बालों पर अप्लाई करना है। अगर आपके बालों में तेल लगा है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, पहले अपने बालों पे अच्छे से कॉम करनी है, फिर आपको पार्टीशन करनी है और पूरे बालों पे आपको हेयर लेंथ पे इस मास्क को अप्लाई करनी है। आपको 30 से 35 मिनट के लिए अपने बालों पे इसे लगा कर रहने देना है। फिर अपने बालों को अच्छे से आप धो लेना है। 1 वीक में आपको 1 टाइम इसे अपने बालों पे अप्लाई करना है। पहली बार में ही आपको अपने बालों में बहुत ही अच्छे फायदे देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।